Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैरिटल रेप को कानून में नहीं लाया जाना चाहिए, इसको डीक्रिमिनलाइज करके ही रखा जाना चाहिए। इसको क्रिमिनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको क्रिमिनलाइज किया गया तो किसी को पता नहीं होगा कि अगली सुबह किसके खिलाफ FIR हो जाएगी। किसी पति पत्नी में हो सकता है कोई मामूली विवाद हो और गुस्से में पत्नी जाके FIR करा दे। और हमारे देश की जो पुलिसिया तंत्र है, आपको पता ही है कि पुलिसिया तंत्र कितना ही भ्रष्ट है। तो अगर ऐसे इसको मैरिटल रेप को अगर ये क्रिमिनलाइज किया गया तो देश के 50% पुरुष जेल के अंदर रहेंगे। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस और अन्य मामले जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हित के लिए बनाए गए, तो उनमें से ज़्यादातर मामले फर्जी मामले अदालतों में डाले जाते हैं। बहुत जब एक NCRB का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे फर्जी मामले भी अदालतों में लगाए जाते हैं। बहुत सारे पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं अदालतों के चक्कर की वजह से, अदालतों में जाने की वजह से। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर शादी जैसे पवित्र बंधन को बचाए रखना है, शादी जैसे पवित्र बंधन की जो पवित्रता है, जो इसकी अखंडता है, उसको बचाए रखनी है, तो मैरिटल रेप जैसे शब्दों से हमें बचना पड़ेगा, इसको क्रिमिनलाइज करने से हमें बचना होगा।